आना हर समय। मैं तुम्हें यहाँ रुकने को कह ही नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को कह रही हूँ, और तुम्हें मुझे ले जाना पड़ेगा। ऑर्डर हुकूमत कर रही हो? हाँ ऑर्डर हुकूमत, पर मेरी नहीं कोर्ट की। 3 महीने दिए है ना कोर्ट ने, और बोला है ना कि हमें साथ रहना है। हाँ तो वैसे वाला साथ हम रह तो रहे, और मैंने कभी नहीं कहा कि तुम जाके अपनी चाची के घर रहो, कभी नहीं कहा। लेकिन तुम तो घर में नहीं रहोगे ना, तुम तो जा रहे हो ना यहाँ से। हाँ तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं घर में कैसे रह सकता हूँ? घर में रहूंगा तो कमाएगा कौन? अब बिजनेस करना पड़ता है तो बिजनेस के लिए बाहर तो जाऊंगा ना। वाह, ऐसे तो तुम मतलब 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे चले जाओगे फिर? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी इसी घर में, मैं जाऊंगा यहाँ से। देखो कोर्ट का ऑर्डर ये है कि हम घर पे रहेंगे पति पत्नी बन के। वही तो मैं कह रही हूँ, पति पत्नी बन के हमें साथ रहना है, और मेरे लिए तो जहाँ मेरा पति होता है ना वही मेरा घर होता है, और फिर हम साथ रहेंगे तभी तो हमारा रिश्ता बनेगा, प्यार होगा। मतलब जुड़ाव होगा, मतलब कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना। अब तुम मुझे, मैं बस कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, तुम ये मत समझना कि जबरदस्ती मुझे कोई शौक है तुम्हारे साथ चलने का। रियली ऐसा लग तो नहीं रहा। रियली तो ठीक है, अगर तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जज मैडम को फोन कर देती हूँ, तुम उनसे बात कर लो और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये मेरा शौक है या उनका ऑर्डर। ठीक है, एक मिनट। देखो तुम मिलाओ, मैं डरता हूँ क्या? हाँ ठीक है, तो मैं कर रही हूँ उनको फोन, फिर तुम उनसे ही बात कर लेना, ठीक है, उन्हें समझा देना ये सब कुछ। लेकिन वो फिर तुम्हें क्या सजा देंगे ना, तो मुझसे मत बोलना। मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो हेलो जी, जज मैडम नमस्ते, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, ऋषि ओब्रॉय की बीवी। चलो 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 लक्ष्मी, चलो कल चलना है ना हमें महाबलेश्वर। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से फोन लग गया था आपको, सॉरी सॉरी मैम। चलो मैंने कब मना किया। बेचारी अकेले चाय पीनी पड़ रही है ना। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी बहन की गलती है, उसे आके रहना ही नहीं चाहिए था, है ना? क्योंकि उसे तो कोई पसंद ही नहीं करता यहाँ पे, और उसकी वजह से आप बेचारी। मॉम कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मुझे और लक्ष्मी को साथ में रहना 3 महीने के लिए। आई मीन अगर मैं लक्ष्मी के बिना महाबलेश्वर चले जाऊँ तो ये सही नहीं होगा। ऐसे तो फिर मैं कोई भी बिजनेस ट्रिप बना सकता हूँ, बहाना बना सकता हूँ 3 महीने के लिए, गायब हो जाता हूँ। इस तरह से मुझे लक्ष्मी को झेलना भी नहीं पड़ेगा क्या मॉम? लेकिन ये सही नहीं होगा, और ये कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ होगा, और इसका एंड रिजल्ट आप जानते हो क्या होगा। वो तो ठीक है, पर क्या कहा तुमने, झेलना पड़ेगा मतलब? ऑफ कोर्स मॉम, आपको आइडिया भी नहीं कि लक्ष्मी मुझे कितना टॉर्चर करती है, कितना परेशान करती है। सब कुछ झेल रहा हूँ, वो जो कुछ भी कर रही है उसका हर एक मूव झेल रहा हूँ मैं। सच कहूं तो मैं अकेला जाना चाहता था महाबलेश्वर, खुश था, यही सोचा था अकेले जाऊंगा, सुकून की जिंदगी जीऊंगा थोड़े दिन के लिए लक्ष्मी के बिना, सबके बिना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था अपने लिए मॉम। लेकिन देखिए ना, 3 महीने भी ऐसा टॉर्चर फील होने वाला हूँ मेरे को। मुझे लगा था कि 3 महीने सुकून की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन नहीं, जो हालात है ना वो देख के लग नहीं रहा कि मुझे सुकून मिलेगा मॉम 3 महीने। मतलब ये आशीर्वाद दिया था ना मैंने लक्ष्मी को, उसी के बारे में बताना था अब कि क्यों मैंने वो मामा अपना रहने दीजिए। पहले आपने आशीर्वाद दिया, अब आप सफाई क्यों दे रही हैं हम दोनों को? हाँ दादी, हमें पता है आपके मुंह से निकल जाता है, इट्स ओके। हाँ वही तो, मेरी ना बचपन से ही आदत है, मेरा मतलब तुम लोगों के बचपन से ही आदत है मेरी ये, भाई यही छोटे होते से सुना और देखा है कि जब भी कोई सुहागन आगे झुकती है तो बड़ा ही यही आशीर्वाद देते हैं कि दूधो ना हो पोतो फलो। तो माँ, ये लक्ष्मी ना बहुत सुपर स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है ये लड़की, जानबूझकर आपके आगे झुकती है, अब दूध में तो नहा ही रही है ताकि पोतो भी फल ले। आई नो, पहले ऐसी नहीं थी वो, कितनी डरी सहमी सी रहती थी ना, पता नहीं इतनी अक्कल कहाँ से आ गई है उसमें सच। और देखा उसको सब समझ आ गई है कि हम सब कैसे हैं और कैसे सबको हत्थे चढ़ाना है, बड़ी चलाक बन के आई है इस बार तो। अरे देखा नहीं कैसे मलिष्का को चारों खाने चित्त कर दिया और किसी को हवा भी नहीं लगने दी, बहुत बड़ा खेल खेल गई। अरे मलिष्का सरप्राइज देना चाहती थी ऋषि को, बल्कि खुद ही झटका खा गई। और देखो ना
घर वालों ने नाम भी रख छोड़ा लक्ष्मी, तो भी भगवान ने भी हर काम में उसी का ही साथ देना है। जो वो चाहती है वो हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि क्या कहती है, गले लगाना है उसे, सर पे चढ़ाना है उसे। है? किसने कहा ऐसा? माँ आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई जादू कर दिया लक्ष्मी ने आप पे। जादू वादू नहीं चलता मेरे पे किसी का। हाँ लक्ष्मी बढ़ चढ़ के है, मेरा मतलब कि एक बार तो दिमाग घुमा दिया उसने। अब तो खुद ही सोच, एक तरफ तू नीलम मलिष्का किरण सोनिया और दूसरी तरफ वो अकेली। तुम सब चाहते थे ना लक्ष्मी को रोकना, हुँ? पर उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, ऋषि से कहलवा दिया कि वो लक्ष्मी को साथ लेके जा रहा है। मतलब समझ रही है ना तुम? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? अरे मतलब यही कि वो किसी के सामने बुरी भी नहीं बनी, जंग लड़ी और जीत गई, और सबसे बड़ी बात बिना तलवार उठाए जीत गई। समझा था पहले, उसके बाद मैंने गलती सुधारने की कोशिश भी की थी, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तुम्हारे आगे, लेकिन तुमने क्या किया? अब तुम है ना चुप करके बैठ जाओ, बिल्कुल सन्नाटा चाहिए मुझे गाड़ी में, कुछ कोई बात नहीं करेगा। और आदत डाल लो, क्योंकि वहां जाके ना महाबलेश्वर में मुझे तुम्हारा यही रूप देखना है जहाँ पे तुम बिल्कुल चुप बैठी रहोगी। क्या ये क्या कर रही हो? अरे अब मैं बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो गाने तो सुन सकती हूँ ना। गाने सुनने का मन है मुझे, कम से कम इससे ही दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है अपना, तो एक काम करो, यहाँ क्यों आ रही हो मेरे साथ महाबलेश्वर? जाओ जाके सर्कस देखो ना कोई। In the night, no control. क्या करूं? कुछ तो बोल. In the night, no control. क्या करूं? कुछ तो बोल. क्या तुम ऐसे गाने सुनती हो? ये ऐसे गाने चलाते हैं? Disgusting. सपनों का वो आंगन कहां, दर्पण बता बचपन कहां, भाई एक मिनट ये भी नहीं चलेगा। क्यों? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये भाई बहन का गाना है, हम पति पत्नी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान चालीसा। वो ब्रह्मचारी थे? हाँ, वो ब्रह्मचारी थे। क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? वो बाहर बहुत अच्छी धूप है ना, तो सोच रहा हूँ बाहर जाके खड़े हो जाता और खुद को जला लेता। गाड़ी क्यों रुकी? अरे गाड़ी कितनी अजीब तरह से हिली थी, मतलब पक्का कुछ हुआ है। क्या हुआ है? मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना, अब बाहर क्या हुआ है गाड़ी में मुझे कैसे पता होगा। अब क्या तुम्हें कोई भी कहानी बना के झूठ बोल दो क्या? कार्बोरेटर जल गया है या फिर पेट्रोल लीक हो गया है, कुछ भी बोल दो, इंजन खराब हो गया है, अब बाहर जाऊंगा तो पता चलेगा ना। ऋषि तीन शब्द, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसका इतना सिंपल सा आंसर हो सकता था कि मैं देखता हूँ, बस ये तीन शब्द, लेकिन तुम रहने दो। ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रही हो तुम, बाहर क्यों जा रही हो? ऐसे बाहर जाओगे तो क्या तुम सही कर दोगी क्या जो खराबी हुई है? तुम कुछ नहीं कर पाओगी लक्ष्मी, कहाँ? ऋषि टायर पंचर है। मतलब भी बताना पड़ेगा टायर पंचर का। आप पता है मुझे, ज्यादा बातें मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब टायर पंचर हो गया तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, सही है? मैं करता हूँ टायर पंचर सही, और ये सब ना जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ पे जबरदस्ती आए हो ना मेरे साथ, इसलिए हुआ है। मतलब मैं तुम्हारे साथ आई हूँ इसलिए टायर पंचर हो गया? हाँ तो हुआ नहीं है क्या? देखो इधर देखो, हो गया? मैंने ही दिखाया तुम्हें। देखो तुम डिस्टर्ब कर रही हो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे फोकस करने दो, टायर पंचर ये सही करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। तुम्हारी मदद मांगी मैंने, पर मैं कर रही हूँ जबरदस्ती, इसमें भी अब कोर्ट में जाके ये बात भी बताओगी? देख क्या रही हो, पीछे हटो, साइड हटो। आई हेट यू लक्ष्मी, आई हेट यू, सब तुम्हारी वजह से हो रही है। आज मैं होती ऋषि के साथ, अगर लक्ष्मी नहीं होती तो
नो 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 अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो लक्ष्मी ऋषि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, जब से घर से निकला हूँ ना तब से नहीं, एक्चुअली तुमने जब से धमकी दी है ना मुझे। ऋषि जो बोलना है वो बोलो। हम जिस रिसोर्ट में रुकेंगे उस रिसोर्ट में हम दोनों अलग अलग कमरे में रुकेंगे, समझ गए ना? अलग अलग रूम्स में रहेंगे, एक साथ नहीं। समझ गए, बस ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों क्यों अलग अलग रूम्स में रहेंगे। क्यों मतलब? मेरा मन, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं चाहती हूँ। क्या? साथ रहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही रूम में रहें। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकती ऋषि। मार्केश दोष बहुत भारी हो गया है तुम पर। मुझे डर है वो अपना असर न दिखा दे, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। अगर तुम पास रही मेरे तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचूंगी तो लक्ष्मी ऋषि को अपने करीब कर लेगी और ऋषि खुद को रोक नहीं पाएगा। शिट! हेलो हर मॉम, थैंक यू, मुझे गाड़ी मिल गई। ठीक है, मैं निकल गई हूँ, मैं जा रही हूँ। गाड़ी आ गई? मलिष्का, मैंने जिसको कहा था उसे तो अभी आने में टाइम लगने वाला है। अरे तो लिफ्ट मिल गई होगी ना, इट्स फाइन। आर यू मैड? मलिष्का तुम गलत गाड़ी में हो। ठीक है, सही एड्रेस पे तो पहुंच जाऊंगी ना, तो इट्स ओके मॉम, डजंट मैटर, रिलैक्स। गलत गाड़ी कभी भी सही एड्रेस पे नहीं पहुंचा सकती। तुम अभी गाड़ी से उतरो। मॉम प्लीज स्टॉप इट, ओके? अब तुम झगड़ा करोगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, और लिफ्ट मिल गई, मैं खुश हूँ इससे। ठीक है मलिष्का, तुम मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानती हो। माँ मैं तुम्हारी, सही कह रही हूँ मैं। मॉम प्लीज स्टॉप इट। लिसन, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, वरना इससे पता चल जाएगा कि इसने गलत इंसान को लिफ्ट दे दी और ये गाड़ी आपने नहीं भेजी। सो प्लीज स्टॉप इट। कभी मेरी बात नहीं मानती हो। अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज लक्ष्मी ऋषि के साथ नहीं होती। तुमसे शादी हुई होती उसकी। तुम गलत ड्राइवर के साथ हो मलिष्का, अभी उतरो वहाँ से, उतरो उस गाड़ी से। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सब मैंने नहीं करवाया, तुम गलत मत समझना मुझे। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करवाया ये सब। जी मैम, आप गलत समझ रही है, ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारी होटल का सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल रूम है। और हाँ, साथ में स्ट्रॉबेरीज और शैंपेन भी कॉम्प्लीमेंट्री है, नए शादीशुदा जोड़ों के लिए, फॉर न्यूलीवेड्स। मैम सर, व्यू देखिए ना। ब्यूटीफुल वैली व्यू, वेरी रोमांटिक। सनराइज इस तरफ से और सनसेट इस तरफ से नजर आता है। यह हमारे रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट हनीमून स्वीट है और इस रूम का सेटअप और डेकोरेशन भी बहुत रोमांटिक है। यहाँ जो भी रह के गया उनमें प्यार और बढ़ जाता है। एक कपल तो ऐसा आया था जिनमें बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन वो यहाँ रह के गए और बस प्यार ही प्यार। अब वो जब भी यहाँ पर आते हैं इसी रूम को मांगते हैं। तो आप भी एक सेकंड, मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया था, and I'm sure ये वो रूम नहीं है। Excuse me, मैनेजर कहाँ? उनको बुलाइए अभी। What happened sir? Can I help you? सर को हनीमून स्वीट पसंद नहीं आया। नहीं, पसंद आया? ऐसी बात नहीं है, पसंद नहीं आया। अच्छा, it's nice. लेकिन हनीमून स्वीट क्यों दिया है मुझे? आप कॉल कीजिए। सर, ऋषि सर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या हुआ सर? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सर, आप ये रिसोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। करेक्ट। तो फिर मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट क्या है? सर, मुझे हनीमून स्वीट क्यों दिया? नो सर, हमने आपके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट ही अरेंज किया हुआ था, पर आज ही सुबह 10:30 आपने कॉल करके कहा कि आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। तो सर आपने तो कहा था कि अकॉर्डिंगली सब कुछ अरेंज कर दिया जाए। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? तो सर मुझे लगा कि आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट कैंसिल करना होगा और हनीमून स्वीट ही आप प्रेफर करेंगे। सर, अभी 2 दिन पहले ही मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि आपकी हाल ही में शादी हुई है। हाल ही में? कोई पुरानी मैगजीन पढ़ी होगी, क्योंकि मेरी शादी को तो मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट वापस चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट हमारे पुराने क्लाइंट हैं और काफी बुजुर्ग हैं, और वो यहाँ पे 1 हफ्ते से रह रहे हैं, सो
कैसे होगा ये? तो वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं। मुझे मेरा रूम वापस चाहिए बस। नहीं नहीं, बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें परेशान मत कीजिए। प्लीज। ठीक है। सो हनीमून स्वीट फाइनल? या। थैंक यू सर, एंड ट्रस्ट मी, आप दोनों के लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ पर मैं मान नहीं रही। तुम इतनी, ठीक है तुम अपनी चला लेना। ओके, मैं भी इस रूम में नहीं रहूंगा। आप क्या, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम हमेशा अपनी मनमानी चलाती हो, तो अब मैं यहाँ पे अपनी चलाऊंगा। मैं जा रहा हूँ दूसरा रूम ढूंढने के लिए अपने लिए। तुम रहो यहीं पे, सब कुछ तुम यूज करो। ओके, तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ दूसरे कमरे में। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। मतलब तुम पति हो ना मेरे, तो मैं साथ रहूंगी तुम्हारे, इसमें गलत क्या है? गलत हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बस। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे टायर चेंज करना कैसे आता है तो फिर तुम रहोगे? हाँ, सोचूंगा इस बारे में, बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, तुम्हें पता है मैं गाँव से हूँ, ठीक है, और वहाँ बहुत सारे खेत हैं और वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर भी हैं, और मेरे बाबूजी के पास भी ट्रैक्टर था। तो मेरे बाबूजी ने ना हम तीनों बहनों को ना सब कुछ सिखाया है। वो ना हमें खेत ले जाते थे साथ में, ट्रैक्टर का टायर चेंज करना भी सिखाया उन्होंने। बल्कि टायर चेंज करना तो क्या, मुझे तो ट्रैक्टर चलाना भी आता है, सब कुछ बाबूजी ने सिखाया। ट्रैक्टर? तुमको ट्रैक्टर चलाना आता है? लगता तो नहीं है सर, दिखने में तो तुम एकदम नाजुक छुई मुई टाइप्स हो। तुम्हें इतनी ताकत है? तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए कौन सा ट्रैक्टर को सर पे उठा के चलाना पड़ता है? ताकत की क्या जरूरत है, बस स्टार्ट करो, गियर बदलो, स्टीयरिंग पकड़ो और रेस दो, चल गया ट्रैक्टर। तुम ऐसे जवाब क्यों दे रही हो? कैसे? ऐसे उल्टे जवाब। तुम ऐसे दिखा रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन सच है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। लेकिन तुम सवाल ही उल्टे कर रहे हो। तो हो गया तुम्हारा, अब मुझे इतना बताओ कि तुम यहाँ पे रहने वाली हो या मैं रहूँ? मैं शिफ्ट कर लूँ अपना रूम? अभी तो तुमने बोला कि तुम सोचोगे अगर मैंने तुम्हें ट्रैक्टर वाली कहानी बता दी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने कैसे चेंज करना सीखा है टायर, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से तुमने कहानी सुनाई ना, उसे कहानी सुनाना नहीं, पत्थर मारना कहते हैं। पत्थर मारा मैंने? हाँ। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हुकूमत, तुम्हें जो समझना है समझ लो। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं सुपर जिद्दी हूँ। तुम ना यहाँ से फॉरगेट इट, मैं खुद रूम शिफ्ट कर लूंगा। एक मिनट, पहले तो मुझे एक सही वजह बताओ यहाँ से शिफ्ट करने की। एक? हजारों सही वजह है मेरे पास। तो तुम एक ही बता दो, चलेगा। तुम्हें चलाने नहीं, मुझे क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, मेरी मर्जी। मतलब तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है? सबसे बड़ी वजह ना तुम खुद ही हो। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है यहाँ पे और मैं पूरी रात काम करूंगा, इससे तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ कर लो तुम शिफ्ट, लेकिन अभी नहीं, तुम रात को शिफ्ट करोगे और ये बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, और तुम ज्यादा दूर भी नहीं जाओगे, मुझसे यहीं पास वाला ही कमरा लोगे। तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो सुना मैंने, और हाँ, अगर मैं अच्छा नहीं होता ना तो तुम्हारा मन भी नहीं करता मेरे साथ रहने का। अब पलटी मत मारना चरखी। शशि। क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, शाम में ना मेरी मीटिंग है, यहीं पे इसी होटल के रेस्टोरेंट में ही है। वो होटल का ओनर है ना परितोष, उसके साथ ही मीटिंग है। अभी तक तो वो ओनर है, लेकिन क्या पता मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ओनर बन जाऊँ, देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम प्लीज यहीं पे रूम में रहना, तुम्हें जो भी मन करेगा खाने पीने का तुम प्लीज फोन कर लेना, ऑर्डर कर देना, रूम में खाना आ जाएगा और मैं मीटिंग के टाइम पे ही डिनर कर लूंगा। नहीं तो मैं भी होटल के रेस्टोरेंट में ही डिनर कर लूंगी नीचे अकेले। हाँ, तो तुम जो वो ओनर है परितोष, उनके साथ डिनर करोगे तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ना, तो ओके, तुम्हारी मर्जी। ये मैम आपकी मॉम ने भेजा है। ओ या, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। अब बट
मैं इनमें से पहनूं क्या? Yes, he like this, and I look hot in this. Perfect. ऋषि, अब रेडी रहना तुम अपने सरप्राइज के लिए. नजरें नहीं हटेंगी तुम्हारी मुझसे. ये देख लो, मुझे अपने कपड़े ढूंढने और हाथ में मैडम के कपड़े आ रहे मेरे. इसलिए यही रीजन था कि लक्ष्मी को नहीं लाना चाहिए था मुझे साथ में. हर चीज पे अपना हक जमा लिया, मेरी हर एक चीज पे. पता है अपने आप से बातें कौन करता है, दीवाने या फिर पागल? पता है मुझे, लेकिन तुम्हारा दीवाना तो हो नहीं सकता मैं. और पागल तुमने मुझे पूरा ही कर दिया. मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरी अलमारी में खुद के कपड़े मत डालना. तू डाला, फिर मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे. वो मेरी ऑरेंज शर्ट और ब्लू जींस नहीं मिली मुझे. क्योंकि तुम्हारे कपड़े नीचे हैं, ऊपर नहीं. यहाँ मेरे कपड़े रखे, ये रहे तुम्हारे कपड़े. थैंक्स. मेरी चीजों पे नजर रखना बंद करो, और मुझ पे भी, समझी? नजर रखना और संभालना दो अलग चीजें होती हैं. नजर नहीं रख रही हूँ मैं, पर संभालना तो पड़ेगा ना, तुम्हारी चीजें भी और तुम्हें भी. वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम ना ये अपने आप से बातें करना बंद कर दो. मन में बातें किया करो, तो ऐसे कोई सुनेगा भी नहीं और कुछ कहेगा भी नहीं. क्या नहीं कहेगा? दीवाना या पागल? तुम मुझे पागल कहना चाहती हो? अरे मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी. ये तुम्हारा अच्छा है? रखूंगा ख्याल इसका. प्रॉमिस, सिमेंट प्रॉमिस. सिमेंट प्रॉमिस. देखो सिमेंट प्रॉमिस आप तोड़ नहीं सकते. जीजू आप लोग ना एंजॉय करो, हम सोने जाते हैं. ओके बाय बाय. थैंक यू. एक्सक्यूज मी, मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी मर्जी से किया, और मैंने तुम्हारी बहनों को कुछ झूठ नहीं बोला. जो मुझे लगा बोलना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल वही चीज बताई है. और क्या झूठ बोला मैंने? हुकूमत तो तुम चलाई रही हो मुझ पे, वैसे भी अपने इशारों पे नचाई रही हो मुझे. और जो तुम्हारी बहन है ना, वो भी मेरी कुछ लगती है, इसलिए मैंने उन्हें ये सारी चीजें बताई. और मैं भी नहीं चाहता कि बानी किसी भी वजह से रोए, इसलिए इमोशनल होकर थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है. एक सेकेंड. और एक सच है जो मैंने तुम्हारी बहनों को नहीं बताया, लेकिन ये सच मैं तुम्हें बताऊंगा. तुम ना मुझ पे कोई हुकूमत नहीं चला रही हो, ना ही अपने इशारों पे नचा रही हो मुझे. और तुमने जब मुझे कहा था मुझे महाबलेश्वर चलना है तुम्हारे साथ, तो एक बार में मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, समझी? हाय ना करके गर्दन हिला के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. अपना मुंह भी खोल सकती हो कभी. ओके. देखा, हुकूमत मेरी भी चलती है. Don't smile. मना किया ना? Perfect. Perfect. वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए? प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और जी 5 पर. परितोष, यहाँ पे रिसोर्ट के अंदर कोई फार्मेसी है क्या? एक्चुअली बहुत सर दर्द हो रहा है. सॉरी, रिसोर्ट के अंदर तो नहीं है, हाँ बाहर एक है. ओके थैंक्स. थैंक यू, आपके फूल बहुत प्यारे हैं. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि है. और आपका? आपका नाम ऋषि, आपके जैसा मेरा नाम छोटा सा जूही. जूही, वेरी क्यूट. आपका ज्यादा क्यूट है ऋषि. थैंक यू, बाय बाय. अगर आपको यहाँ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो तो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर भी बात कर सकते हैं. नहीं, एक्चुअली आई एम ओके. मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद है. Really? मैं यहाँ पे रिसोर्ट देखने आया हूँ ना, तो वो काम भी हो जाएगा. ओके.
ये क्या हो रहा है? यहाँ का रेस्टोरेंट 10 बजे तक ही ओपन रहता है और 10 बजे के बाद यहाँ कैराओके नाइट, डीजे नाइट और डांस नाइट वगैरह होता है। और आज तो डांस नाइट है, डांस मास्क नाइट, तो आज सबको मास्क लगाकर डांस करना होगा। Wait. Let me do the honor, please. Excuse me. Thank you. मुझे पानी नहीं चाहिए। थैंक यू। पानी नहीं चाहिए? इफ यू डोंट माइंड, इन्हें पानी नहीं चाहिए। हो गया काम। By the way, I'm Ronit. Actually, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनसे मिलके कहना है कि आपको ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। You know why? Because look at you. आपको कोई भी देखे आपके पास आना चाहेगा। देखिए, शायद आप मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे होंगे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो नशा करते हैं। और आप फिलहाल नशे में। और मैं इनका हस्बैंड हूँ। आपसे ये बात पहले भी कही थी, रिमेम्बर? हस्बैंड? रियली? ये कम उसकी हालत देख, उसे भी बोल जाने के लिए। मॉम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे ही थी। ऐसे क्या? There she is. लेकिन ऐसे कैसे? सॉरी, थोड़ा नशे में हूँ। But you know what? नशा बुरा नहीं होता है जब तक उस नशे में किसी के साथ बुरा ना हो। मॉम, देखो उस लेडी को, देखो कितने ज्यादा नशे में। मॉम प्लीज उठो ना। क्या हो गया आपको? मॉम निश्चित, मॉम नशा बुरा नहीं होता है जब तक नशा हद में हो, समझे? मुझे प्रॉब्लम नहीं नशे से, मुझे प्रॉब्लम तुम जैसे लोगों से। अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों की नजरें, कब तारीफ करना चाहते हो और कब। मेरी वाइफ को जब देख रहे थे तुम्हारी आंखों में तारीफ ही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जेलस? ऑब्वियसली वाइफ है वो मेरी, जेलस नहीं होगा क्या? और मुझे जेलस होना अच्छा भी नहीं लगता। या थैंक गॉड तुमने बता दिया। मैं अपनी वाइफ को लेकर जेलस हूँ, ये बात प्लीज मेरी वाइफ को मत बताना। क्या ठीक हूँ मैं? बिल्कुल सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे।
तुमने चेंज भी कर लिया? इस स्वीट में दो बाथरूम्स हैं। वो सब छोड़ो, क्या था वो नीचे, क्या क्या तुमने? क्या मैं पानी में क्यों कूदी? नहीं, वो चलेगा क्योंकि वो तुम्हारी बेवकूफी थी, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, तुम्हें लगा होगा कि पानी बहुत गहरा है इसलिए तुम कूद गई वहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या क्या तुमने? इतनी जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगी सबके सामने, मुझे बोल रही हो कि तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता, ऑल दैट, वो सब क्या था? मैं अभी भी वही कहूंगी। क्यों, कौन हूँ मैं? फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ क्या? छोटा बच्चा हूँ, ऋषि ओबेरॉय हूँ मैं, इस रिसोर्ट को यहाँ पे खरीदने आया हूँ। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। क्यों पूछा तुमने ऐसा मुझसे? क्योंकि ये तुम्हारी आदत है, तुम करते हो ऐसा। जब भी कोई बात छुपानी होती है, किसी को कुछ नहीं बताना होता ना, तो तुम ऐसे लड़ाई करने लग जाते हो। कौन सी बात? कोई भी बात, कोई बात हो या दिल की कोई फीलिंग हो, कुछ भी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें समझ में आ गया क्या वो फीलिंग? क्या, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, अभी भी कुछ फील नहीं कर पा रही, मेरी सांसें भी फील नहीं कर पा रही, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ काउंटिंग है बस। काउंटिंग? हाँ, काउंटिंग ही कर रहा हूँ दिली दिल में। तुमसे छुटकारा चाहिए ना, 3 महीने बचे, अब तुम्हें और नहीं झेल पा रहा हूँ मैं, बस हो गया मेरा। मेरी भी सेम फीलिंग है बिल्कुल तुम्हारे लिए। गुड, मैं भी नहीं झेल पा रही हूँ तुम्हें। दूर दूर लहरें जाती फिर भी। हाँ तो अच्छा है ना, नहीं झेल पा रही हो तो तुम मुझे, अच्छा है, हम दोनों के बीच में वैसी फीलिंग नहीं है। अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं, वैसी वाली कोई फीलिंग्स नहीं हमारे बीच में। तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं हैं मुमकिन, कोई दायरा। तुम सच में खुश रहोगे मैं चली जाऊंगी तो? नहीं। हाँ हाँ, खुश रहूंगा मैं, बहुत खुश रहूंगा मनीषा के साथ। गुड, नहीं, परफेक्ट। मेरा फोन शायद वॉशरूम में रह गया, मैं लेके आता हूँ। उसने 6 महीने के, सोचो। डायरी कैसी डायरी? कोर्ट में पढ़ी ना सर, 24/7 का पूरा चिट्ठा पढ़ दिया कोर्ट में, डेट बाय डेट सारी चीजें बता दी, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दिया। गॉड, ऐसा ही होता है ऋषि सर, जिनको तलाक चाहिए होता है ना, वो रिसोर्ट में जाते हैं। तो आप संभल के रहना ऋषि सर, क्योंकि आप भी रिसोर्ट में हो, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। लोगों के सामने झगड़ा मत करना, क्योंकि लक्ष्मी भी सेम कर रही है उस पत्नी जैसा, कोर्ट की धमकी दे दे के आपसे सब करवा रही है, और वहाँ बोलेगी कि आपने उसका ख्याल ही नहीं रखा, सब पैसे के लिए ऋषि सर। एक सेकंड होल्ड करना, डायरी भी है और डेट्स भी है। कहा था ना मैंने ऋषि सर, संभल के रहना। ओके, या मनीष का ऋषि, ऋषि आप वेरी स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? वो लक्ष्मी, वो तुम्हें मुझे छीन लेगी ऋषि, वो मैं बोल रही हूँ तुम्हें, वो ना वो। आई लव यू, I love you, I love you, I love you, I love you. 5 times, 5 बार बोल दिया I love you मैंने। मलिष्का, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पे पहले की तरह विश्वास रखो। That's it. मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। मलिष्का, लक्ष्मी मेरे साथ अपने मतलब के लिए, अपने अपने मकसद के लिए, उसे जो करना है करने दो। अगर वो मेरे आस पास रहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। Just trust me, please. मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। कल से ऋषि की महादशा शुरू होने वाली है, सारे ग्रह नक्षत्र बहुत भारी हैं ऋषि पर। हवा
हवाएं पूर्ण रूप से अपना रुख बदलेंगी। बचा लो अपने पति को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिन के चारों पहर 24 घंटे उसके साथ रहना हर समय।